2023 was a year of comebacks. इंडिया में ऑस्कर का कमबैक हुआ, ईशांत शर्मा का आईपीएल में हुआ, जवान से शाहरुख का और गदर 2 से सनी देओल का कमबैक हुआ, और अब मिलेट्स भी अपना कमबैक कर रहे हैं। 2023 has been announced as the international year of millets. But do you know, millets उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और मिलेट्स सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, बल्कि उन किसानों के लिए भी अच्छे हैं जो इन्हें उगाते हैं, क्योंकि ये हर तरह के मौसम में उग जाते हैं, इन्हें किसी फर्टिलाइजर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक बहुत ही खास मिलेट की, जिसका नाम है रागी। इसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। हम जानेंगे 7 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स जिनको सुनने के बाद आप रागी खाना शुरू कर दोगे, और अगर पहले से खाते हो तो और भी ज़्यादा पसंद करोगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि रागी खाने वाले लोगों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, एंड एंड में कुछ इंटरेस्टिंग तरीके जिन्हें यूज़ करके आप रागी को आसानी से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है, और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि हर संडे सुबह 11 बजे मैं यहाँ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। रागी के इतने फायदे हैं कि इसके बारे में बहुत पुराने टेक्स्ट बुक्स जैसे कि सुश्रुता संहिता, पुरानी पोएट्रीज और यहाँ तक कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी लिखा है। आपको पता है कि रागी में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम रागी से 300 to 350 mg कैल्शियम मिलता है, जो डेयरी प्रोडक्ट से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि बाकी जितने भी मिलेट्स हैं उन सबसे ज़्यादा कैल्शियम रागी में होता है, इसीलिए रागी आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाती है। इसे डाइट में लेने से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी कम होता है और कैल्शियम के बाकी सभी हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और जो लोग डेयरी नहीं लेते उनके लिए रागी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एक और खास बात है रागी की कि इसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी होता है, और ये कैल्शियम और विटामिन डी ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बच्चों के लिए, लेडीज के लिए या वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही खास है। जिस तरह रागी कैल्शियम में रिच है, उसी तरह इसमें आयरन भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। सो हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने के लिए और एनीमिया को दूर रखने के लिए रागी को डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आयरन बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, औरतों के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चे और लेडीज़ इसे डाइट में ज़रूर ऐड करें। रागी माल्ट के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं बताना चाहूँगी कि माल्टेड रागी एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जिससे पीने से रागी के सभी मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस ड्रिंक होती है जिसे कोई भी पी सकता है। इसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी। चलते हैं अगले बेनिफिट पे। रागी कैन हेल्प रिड्यूस बेली फैट। रागी में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एजिंग को डिले करते हैं, आपके गम्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जैसे कि मेथियोनाइन और थ्रियोनाइन, जो बॉडी के एक्सेस फैट को कम करने में मदद करते हैं। फिर चाहे बेली फैट हो या फिर फैटी लिवर, रागी खाने से फैट कम करने में मदद मिलती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो कि सीधा आपके बेली फैट को टारगेट करे। इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी डाइट, और अगर आप अपनी डाइट में रागी जैसे मिलेट को इंक्लूड करते हो तो आपको वेट लूज करने में आसानी होगी। इसलिए रागी को वेट लॉस डाइट प्लान्स में दिया जाता है। हम आई एम बाओ के डाइट प्लान्स में भी कई बार क्लाइंट्स को रागी की चपाती रेकमेंड करते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आई एम बाओ प्रोग्राम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी हम चलते हैं अगले बेनिफिट पे। रोटी, पराठा, सैंडविचेस, कुलचा, बन, पाव, बिस्किट, केक, इन सभी फूड्स में क्या होता है? ग्लूटेन होता है। इतना ग्लूटेन खाने से हमारे ब्लड शुगर बढ़ते हैं और वेट गेन भी होता है। इतना ग्लूटेन डायबिटीज के रिस्क को भी बढ़ाता है और हमें आलसी भी बनाता है। सो अगर डेली यूज में हम कभी कभी आटे की रोटी की जगह ग्लूटेन फ्री ग्रेन जैसे कि रागी से उसे रिप्लेस कर दे तो हमारा ग्लूटेन का इंटेक कम हो जाता है। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ रागी ही क्यों, सभी ग्रेन्स के बेनिफिट्स लेने के लिए आप हर बार अलग अलग ग्रेन्स को यूज करके रोटी बना सकते हैं। और सिर्फ रोटी नहीं, आप रागी का चीला, डोसा, केक, कुकीज कुछ भी बनाइए। अब चलते हैं अगले बेनिफिट पे।
एक आर्टिकल से पता चला कि जब हम राइस खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने में लगभग 45 मिनट्स लगते हैं और रागी को 2 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब है कि रागी धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है जिससे ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ते, इसलिए रागी खाने से डायबिटीज भी प्रिवेंट होती हैं। इस स्लो अब्सॉर्प्शन का रीजन है फाइबर। रागी में फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट्स में होता है। चलिए देखते हैं कि 5 ग्रेन्स में से सबसे ज्यादा फाइबर किस में है। वाओ, इट्स रागी अगेन। और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, इतने फाइबर की वजह से रागी हमारे सेटाइटी को भी इम्प्रूव करती है, यानी कि इसे खाने से देर तक पेट भरा रहता है। चलते हैं अगले बेनिफिट पे। आप जानकर खुश होंगे कि रागी आपके गट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये गुड गट बैक्टीरिया को बढ़ाती है जिससे हमारी बोवल मूवमेंट्स इम्प्रूव होती हैं, डाइजेशन बेटर होती है और ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लामेशन जैसे इश्यूज नहीं होते। इसे डाइजेस्ट करना भी ईजी होता है, इसलिए बच्चे और बुजुर्ग कोई भी इसे आसानी से ले सकता है। चलते हैं अगले फायदे पे। अगर आप रागी खाते हैं तो आप ज्यादा खुश रहते हैं। इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि रागी के अंदर एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफन। इससे हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, माइंड रिलैक्स होता है और हमारी इमोशनल वेलबींग भी इम्प्रूव होती है। यू वोंट बिलीव इट कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस में लिखा है कि रागी को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद मैंने तो रागी को रेगुलरली कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है और आपको भी जरूर करना चाहिए। तो चलो अब ये जानते हैं कि रागी खाने वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे रागी की कुछ टॉप रेसिपी, सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। क्योंकि रागी के अंदर कैल्शियम हाई अमाउंट में होता है, इसलिए जिन लोगों को किडनी स्टोन का इशू है वो रागी को लिमिटेड अमाउंट में लें। और जैसा हमने देखा कि रागी के अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है और हाई फाइबर वाले फूड्स सबको सूट नहीं करते, इसलिए अगर आपको रागी खाने से इनडाइजेशन फील हो तब भी आप इसे लिमिट में ही लें। रागी में प्रेजेंट आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आप रागी के साथ विटामिन सी का कोई सोर्स ले सकते हैं। मतलब जब भी आप रागी खाएं उसके साथ विटामिन सी का इंटेक करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा और विटामिन सी आपको इन सभी फूड से मिलता है। नेक्स्ट, रागी एक ऐसा मिलेट है जिसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये ठंडी तासीर का ग्रेन है, इसलिए इसे गर्मियों में भी इजीली ले सकते हैं। कुछ स्टडीज में तो रागी को न्यूट्रल फूड भी कहा गया है, जिसका मतलब है कि सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम में रागी खाना सेफ है। चलिए अब देखते हैं कि रागी को आप किस किस तरह से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। रागी की डिशेस बनाना बहुत ही ईजी होता है। इसका डो बना के आप रोटी या पराठा बना सकते हैं, बैटर बना के आप चीला बना सकते हैं और उस बैटर को फर्मेंट करके आप इडली डोसा बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रागी माल्ट एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और फिलिंग ड्रिंक है जिसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। रागी फ्लार को आप पानी या फिर मिल्क के साथ बॉईल कर सकते हैं, इसे नमकीन या फिर मीठा भी बना सकते हैं। स्वीटनेस के लिए आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन को पॉज करके आप रागी माल्ट की डिटेल्ड रेसिपी देख सकते हैं। रागी को बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आप रागी फ्लार को यूज़ करके केक और कुकीज़ बना सकते हैं। ये मार्केट में मिलने वाले उन मल्टीग्रेन बिस्किट से मच बेटर ऑप्शन होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। इसे लाइक करना मत भूलना और नेक्स्ट टाइम आप किस फूड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना पसंद करेंगे कॉमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो।